सिनारियों में एम पे बंदे मारते। ये कई को बोल रहा हूँ मालूम भाई, आजकल मैं देख रहा हूँ क्लासिक में खतरनाक पुट्टे मार के पुट्टे नेक्स्ट लेवल एडिटिंग करके क्या कर रहे हैं, और मारते भी कैसा पुट्टे। अब टारगेट सामने है ना, जानबूझ के इधर एम खोल के ट्रांसफर मारते भैया। अब मालूम है क्लिप अच्छी बनाने के लिए आप लोग वो करते, अच्छी एडिट दिखती हो, अच्छा वीडियो बनता, पर ये चीज़ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में नहीं निकलती। अगर तुम इधर स्कोप करके इधर जानबूझ के ट्रांसफर मार के अच्छी क्लिप बनाना चाह रहे, ओ भाई अरे क्या मारा भैया, वो बनाना चाह रहे कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में, तुम यहाँ से यहाँ लेके गए जब तक तुम लॉबी में रहते भैया। समझ रहे हैं ना तुम लोग, तो मेरी बात पे यकीन ना हो तो यार स्नैक्स के बात पे तो यकीन कर ही लिया करो। अब आज की वीडियो शुरू करने से पहले, जो लास्ट वीडियो था जहाँ पे मैंने दिखाया था कि सोलो रश का एटेक्स को खुलता है, वहाँ पे जो एक स्क्रीन ब्लिंक होती है वो एक्चुअल में गेम का ग्लिच था। वो मेरी गलती थी क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि वो ग्लिच है या एक्चुअल में फ्रेम स्किप है, तो मेरी गलती थी, मेरे को पता चली, मैंने एक्सेप्ट की। पर इसका ये मतलब नहीं है कि भाई कि वो फ्रेम स्किप नहीं करता, वो फ्रेम स्किप करता है। अब आ जाते हैं आज की वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है भाई कि जो परितोष और सोलो रश के बीच में जो एक टीडीएम हुआ था वो एक्चुअल में स्क्रिप्टेड था कि नहीं था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि स्क्रिप्टेड था, ना ही मैं ये बोलने वाला हूँ कि स्क्रिप्टेड नहीं था। आप वीडियो देखो, मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको क्या लगी वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अब उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट दिखा देता हूँ, परितोष के 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, बट सोलो रश से टीडीएम करने से पहले उसके चैनल की कुछ ये हालत थी, कुछ ऐसे व्यूज़ आते थे, और जब उसने सोलो रश के साथ टीडीएम खेला उसके बाद कुछ ऐसे तरीके के व्यूज़ आए। तो आपको पता चल गया होगा कौन किसके पास गया टीडीएम खेलने के लिए, किसको फ़ायदा हुआ, और एक्चुअल में सोलो रश ने जिनके भी साथ टीडीएम खेला है उन सबका फ़ायदा उसने कहीं ना कहीं करवाया है। तो यहाँ पर मैं कोई भी उसकी वीडियो की क्लिप यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो बंदा अभी छोटा है, 17 साल का है, वो उस तरीके की उसकी मेंटेलिटी है, बच्चा आप मान सकते हो, उसको मैच्योर इनफ नहीं है कि वो इतनी सारी हेट झेल के चीज़ें इग्नोर कर सके, वो रेस्पॉन्स देगा ऐसी चीज़ों का। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मैं अभी कॉपीराइट स्ट्राइक खाऊं, तो इसलिए मैं वीडियो की कोई भी क्लिप यूज़ नहीं करूँगा। आप जाके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, दोनों के चैनल पर वीडियोज़ हैं। तो सबसे पहले अगर आप पहले दो पॉइंट की बात करेंगे, तो परितोष जो कि कॉम्पिटेटिव प्लेयर बंदा है वो उसे मारने की ट्राई नहीं करता, वो एम चौक जानबूझ के करता है अपना, वो सिंगल बुलेट भी कनेक्ट नहीं कर पाता है। अब कोई बंदा सामने कितना भी खतरनाक हो, अगर आप एक कॉम्पिटेटिव प्लेयर हो तो आप इजीली एक दो बुलेट तो टच करोगे ही करोगे, जो कि वो नहीं करता है। उसके बाद आप जब देखना सोलो रश 12वीं बार परितोष को मारता है, तो परितोष 17 गोली स्कारल में रहते हुए भी रिलोड मारता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीच बीच में ये लोग एक दूसरे से जब लीड में निकल जाते हैं तो इक्वल लाने की ट्राई करते हैं। अब उसका एक मैं फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले आप पूरे गेम प्ले में नोटिस करना कि जब परितोष आगे निकलता है तो सोलो रश ऐसे बेकार मूव करता है कि परितोष इजीली उसे मार सके, और जब सोलो रश आगे निकलता है तो वो परितोष को ऐसे मौके देता है कि परितोष उसे मार के इजीली एकदम नेक टू नेक कॉम्पिटिशन रहे। और लास्ट के जो 2 किल हैं जिसमें परितोष सोलो रश को मारता, आप देखना वहाँ पर सोलो रश जानबूझ के उसको किल देता है, और जब लास्ट के 10 सेकंड बचते हैं तो परितोष अपने ऊपर नेड़ गिरा लेता है ताकि फाइट का मौका ही ना मिले और मुकाबला, मतलब समझ रहे हो आप, टाई पे ख़त्म हो जाए। अब उसका मेन रीज़न बताऊँ तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो सोलो रश नहीं हार सकता, क्योंकि भाई बंदे की इज्जत डाउन हो जाएगी। वो परितोष की हेल्प करने के लिए उसने 1v1 TDM बनाया, उसे कॉम्पिटेटिव प्लेयर के साथ TDM करके खुद को प्रो साबित करना था, और परितोष को भाई सपोर्ट चाहिए था क्योंकि उसके चैनल की हालत आपने देखी ली होगी, तो दोनों का फ़ायदा। अब परितोष भी सोलो रश से नहीं हार सकता, क्योंकि अगर वो सोलो रश से हार गया तो एक कॉम्पिटेटिव प्लेयर बंदा ऐसे हार जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को चीज़ें हजम नहीं होंगी और उसे हेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ में दोनों का फ़ायदा हुआ, मैच टाई कर दिया, जबकि ये मैच की कुछ और कंडीशन सिचुएशन निकल के आ सकती थी, बट वो नहीं निकल के, उसके पीछे ये रीज़न आप मान सकते हो। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट हैं, और आप जब इनका TDM देखोगे इजीली दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू देखना, तो आपको पता चलेगा बहुत सी चीज़ें ऐसी कि एक कॉम्पिटेटिव प्लेयर बंदा जो हेड कनेक्शन में माहिर होना चाहिए वो हेड कनेक्ट करता ही नहीं है, 90% ऑफ द टाइम्स वो बॉडी शॉट मार के उसे नॉक करता है, उसे डैमेज देता है, ठीक, वो हेड टारगेट बहुत कम करता है। ऐसा क्यों है भाई, आप समझ जाओ, आप समझदार हो। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे सस्पिशियस लगे, मैं ये नहीं कहूँगा स्क्रिप्टेड है और ये भी नहीं कहूँगा स्क्रिप्टेड नहीं है, वो चीज़ आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। इतना था वीडियो में, जय राम जी की।